वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैच कंपोनेंट के बारे में। सो गाइस, जो हमारे पास बैच कंपोनेंट है उसको यूज करके हम बैचेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे मेल वगैरह के नोटिफिकेशन है, तो हमने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो शो करवाने हैं यहाँ पे आइकन के ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैच कंपोनेंट का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बैच कंपोनेंट क्या करता है कि स्मॉल सा बैच जो जनरेट करता है जो कि इस टॉप राइट साइड के ऊपर इसके चिल्ड्रन के ऊपर, तो हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं वीएस कोड के अंदर जो है चला जाऊंगा, देन मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो बना लेता हूँ एम यू आई बैच के नाम से। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एम यू आई बैच डॉट जे एस एक्स। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कंपोनेंट ऐड कर लूंगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आर एफ सी, तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ स्टैक को, सबसे पहले इम्पोर्ट करूंगा, मैं डिव की जगह स्टैक का जो है वो यूज करूंगा, स्टैक मेरे पास आ जाएगा और मैं यहाँ पे बैच का जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैच और मैं इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लूंगा फ्रॉम एट एम यू आई मटीरियल। देन उसके बाद हम यहाँ पे इनको यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे डिव की जगह जो है वो स्टैक को यूज करूंगा, डिव को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ स्टैक, और स्टैक के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे स्पेसिंग और डायरेक्शन जो है वो पास कर दूंगा प्रॉप एज अ प्रॉप। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिंग और स्पेसिंग में यहाँ पे दे देता हूँ 3 और डायरेक्शन में इसके अंदर जो है वो यहाँ पे पास कर दूंगा और डायरेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ रो। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बैच बनाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो बैच हमने ऊपर इम्पोर्ट किया है उसको यहाँ पे जो है वो हम इन्वोक कर लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैच, तो बैच यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, उसको इन्वोक कर लेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे कोई आइकन जो है वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आइकन है नोटिफिकेशन का, तो मैं नोटिफिकेशन आइकन इसके अंदर जो है वो इम्पोर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नोटिफिकेशन आइकन जो कि मैंने ऊपर इम्पोर्ट किया है। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे बैच कॉन्टेंट मतलब जो कि हमने बताना है कि इसका वैल्यू जो है वो कितनी होगी, तो वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बैच कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लेट अभी के लिए कर लेता हूँ 6, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर कलर भी पास कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कलर है, तो कलर के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेकेंडरी, मैं इसके अंदर पास कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा और फिर ऐड कर लूंगा एप डॉट जेएस के अंदर। पिछले वाले कंपोनेंट को मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ जो कि पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था, कंपोनेंट में ऐड कर लेता हूँ एम यू आई बैच वाला, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एम यू आई बैच। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन आ गया और उसके ऊपर यहाँ पे बैच आ गया 6। तो इस तरीके से जो है वो हम बैजेस जो है वो बना सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट और भी इसके अंदर प्रॉप्स वगैरह होती है, तो मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डुप्लीकेट। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एरर, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर उसका कलर है वो यहाँ पे अभी रेड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे नंबर जो है वो शो, मैक्सिमम नंबर वगैरह तो वो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है प्रॉप मैक्स, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मैक्स और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 100 और इस कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 102, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे 100+ यहाँ पे आ गया, मतलब मेरे यहाँ पे मैक्स लिखा था 100, तो यहाँ पे 100+ अभी मेरे पास यहाँ पे जो है वो ट्वीट्स आ गई है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ 99, तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो है वो 99+ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसके ऊपर मैक्स की प्रॉप अप्लाई करके मैक्सिमम वैल्यू भी जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉप होती है जिसको कि हम बोलते हैं वेरिएंट प्रॉप, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ वेरिएंट, और यहाँ पे ये जो मैक्स लिखा हुआ है और कंटेंट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से जो है वो मिटा दूंगा, और वेरिएंट के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉट, तो फिर मेरे पास यहाँ पे जो है वो डॉट शो हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर जो डॉट है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। सो इस तरीके से जो है वो बैच कंपोनेंट को यूज करके बैजेस जो है वो बना सकते हैं। हमारे पास अगर मेल आइकन है तो हमने बताना है कि नंबर ऑफ मेल्स वगैरह कितनी है, तो उसके लिए जो है वो हम इस कंपोनेंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।